तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो पहला क्वेश्चन वो है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है। तो नंबर एक ऑप्शन है A4, बी नंबर है लेटर, सी नंबर है लीगल, डी नंबर है A5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पे रखा है। तो यदि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर लेटर। जब बाई डिफ़ॉल्ट आप अपना वर्ड ओपन करते हैं मैसवर्ड, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो लेटर साइज होता है, जब पेज लेआउट में आप जाएंगे टाइप में तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको लेटर ही सिलेक्ट हुआ मिलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही होता है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग A4 लीगल A5 भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा आपसे, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पे भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट को एक बार जरूर ओपन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इस पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। नंबर एक हार्ड डिस्क, बी नंबर रैम, सी नंबर कैश, डी नंबर पेन ड्राइव। तो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी कई बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है, ये हाई लेवल के कोर्सों में भी पूछी जाती है, जो ट्रिपल सी है जैसे ओ लेवल होता है उसमें भी पूछी जाती है क्वेश्चन। तो सबसे जो तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो नंबर एक सी लैंग्वेज, बी नंबर विंडोज, सी नंबर लिनक्स, डी नंबर डॉस। तो इसमें से एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। सी लैंग्वेज आपकी एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सी लैंग्वेज एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, बी नंबर है कंट्रोल प्लस एस, सी नंबर है F12, डी नंबर F11। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सब सर सेव एज की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर F12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPS का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि BPS का फुल नेम क्या होता है या पूरा नेम क्या होता है, ठीक है। तो एक नंबर ऑप्शन है बाइनरी पर सप्लाई, बी नंबर है बिट पर सेकेंड, सी नंबर है बेसिक पॉइंट सप्लाई, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, बिट्स पर सेकेंड। सिमिलर आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि फुल नेम होता है BPS का बिट्स पर सेकेंड, तो आपको इसी तरह के और भी देखने के मिलेंगे फुल फॉर्म, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ब्रेकट क्लोज, कंट्रोल प्लस ब्रेकेट स्टार्ट, और डी नंबर है कंट्रोल प्लस F, ठीक है। तो जैसे आप कीबोर्ड में देखने को मिलेगा आप लोगों को एक सिंबल ऐसे देखने को मिलेगा आपको, मैं बता दूं ऐसे, ठीक है, ब्रेकेट का जो आप बोलते हैं बड़ा ब्रेकेट, मंझला ब्रेकेट, ठीक है। और एक आपको ऐसे भी मिलेगा, एक इधर से रहेगा, ठीक है,
अरे कैसे भी मिलेगा, तो ये दो सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो जो फॉन्ट साइज बढ़ाने की बात आती है ठीक है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल प्लस यानी कि बी नंबर सेलेक्ट करेंगे ठीक है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। अगर घटाने की बात आती है यानी कि डिस्क्रीज करने की, तो वहाँ पर आप कंट्रोल प्लस स्टार्ट ब्रैकेट ठीक है, स्टार्ट ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे कि तो वो आप लोगों का डिस्क्रीज होने लगे यानी घटने लगेगा, लेकिन बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन यूज करेंगे ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, आपकी बोर्ड आपके पास है तो देख लीजिएगा ये सिंबल कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक वेब सर्वर है, तो नंबर एक है अपाचे, बी नंबर सफारी, सी नंबर मोजिला, बी नंबर है ठीक है बैंड। तो जो एक वेब सर्वर होता है उसका नाम होता है क्या होता है, अपाचे ठीक है, अपाचे राइट आंसर हो जाएगा। सफारी मोजिला फायरफॉक्स ये हमारे सब क्या है, ब्राउजर है ठीक है, अपाचे आपका एक वेब सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIF का पूर्ण रूप क्या होता है, नंबर एक ग्राफिकल इंटरनेट फॉर्मेट, बी नंबर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, सी नंबर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फाइल। तो GIF का जो फुल नेम होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब ग्राफिक्स क्या होता है यानी कि GIF क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ फोटो या फिर आप इमेज देखते हैं जो कि ब्लिंकिंग होया करती है यानी कि ब्लिंक ऐसे होया करती है, जैसे कि ब्लिंक जैसे कोई वर्ड लिखा है वो लिख के आता है ठीक है, कोई इमेज है वो जूम इन जूम आउट हो रही है, उसे ही GIF बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, तो डॉट कॉम आप लोगों की एक क्या है, डोमेन नेम होता है, तो डॉट कॉम का फुल नेम यानी क्या क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमर्शियल, कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। आपको और भी डोमेन नेम देखने को मिलेंगे, EDU दिखेगा ठीक है, डॉट इन लिखेगा ठीक है, तो EDU का मतलब एजुकेशन, डॉट इन का मतलब इंडिया ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MS Word 2007 में स्मार्ट आर्ट कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो नंबर एक ऑप्शन है होम, नंबर बी है पेज लेआउट, सी नंबर इंसर्ट, डी नंबर व्यू। तो जो स्मार्ट आर्ट होता है वो पाया जाता है आप लोगों का इंसर्ट में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि ये कमांड किस मेनू में पाया जाता है, किस टाइप में पाया जाता है, तो ये जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है वो इंसर्ट में पाया जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कुंजी पर एरो के निशान होते हैं, जिन कुंजियों पर एरो के निशान होते हैं उन्हें नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। जो आप एरो कीज देखते हैं अपने कीबोर्ड में ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जो चार कीज होती हैं ठीक है कीबोर्ड में, तो इनको हम नेविगेशन कुंजी भी कहा जाता है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रू, नेविगेशन के भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ठीक है, ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को ब्लिंकिंग कहा जाता है, जैसे कहीं पर आप कर्सर रखते हैं तो वो आपका ब्लिंक नहीं हुआ करता है, जूम जूम आउट वो आया नहीं करता, तो उसे ही बोलते हैं ब्लिंकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा, बिंदु को हम बोलते हैं ब्लिंकिंग, इसलिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग CPU को कहा जाता है, जी तो जो जैसे नियंत्रण करता है यानी कि आपके काम को प्रोसेस करता है, पूरी सप्लाई यानी कि आप लोगों की जो भी आप इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है और ऐसे फॉर्मेट में चेंज करता है जिसमें आप चाहते हैं, जैसे कि आपने इनपुट दिया उसको आउटपुट चाहते हैं, तो वो जो बीच की प्रोसेसिंग होती है वो हमारा CPU करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप यूनिवर्सल रिसोर्स लाइसेंस होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स, URL आपका ये URL ठीक है, ये हो गया URL, वो मैंने हिंदी में लिख दिया ठीक है। तो URL का जो फुल नेम होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस लिख दिया गया है तो इसलिए ये हो जाएगा फाल्स ठीक है, और होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका डॉस से रिलेटेड है, जो फोल्डर होते हैं ठीक है आपके फोल्डर उनको डॉस में डायरेक्टरी बोला जाता है, तो जो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी होती है उन्हें सब डायरेक्टरी बोलते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, डायरेक्टरी के अंदर जो होती है
डायरेक्टरी, उसे हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डेमोड्यूलेटर होता है, इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, मॉडम का फुल नेम मैंने कई बार बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मॉडम का पूरा नेम होता है मॉड्यूलेटर एंड डेमोड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ जाए और वह यूजर फ्रेंडली होती है, जिससे कोई भी निर्देश हो, ठीक है, वो सरलता से समझ में आ जाए उसको, तो उसे यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। तो यूजर फ्रेंडली वही होता है जो आसानी से किसी भी चीज़ को मैनेज कर ले, समझ जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है, मैंने फास्ट पे क्लिक कर दिया, डी नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा मैंने ओरकल के बारे में कई बार बात किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ओरकल आप लोगों का जो होता है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने मिस हुआ, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। अब होना चाहिए प्रिंटर पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, तो प्रिंटर आप लोगों को मालूम होगा कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा फाल्स। पॉइंटिंग डिवाइस तो आपको माउस होते हैं, ठीक है, माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस, इसलिए हो जाएगा फाल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाने के लिए डॉस में डिस्क कमांड प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्या होगा मैं आपको बता दूं, हार्ड डिस्क के पार्टीशन के लिए, जैसे कोई आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक, उसमें पार्टीशन जैसे कि ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी, ठीक है, और ड्राइव ई, ऐसा ऐसा आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पार्टीशन के लिए डॉस की बात हो रही, विंडो की बात नहीं होती, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन, ये विंडो और डॉस आपका अलग होता है, तो इसमें बात हो रही है सिर्फ डॉस की, जो कि पार्टीशन के लिए हमें कमांड्स का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर डिस्क कमांड का प्रयोग होता है, तो जी बिल्कुल ये फाल्स क्वेश्चन है, वहाँ पर प्रयोग होगा, होगा तो डिस्क ही, लेकिन वहाँ पर एफ डिस्क होगा, ठीक है, ये हो कमांड होगा एफ डिस्क। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा तब आप सेलेक्ट करिएगा, डिस्क आएगा तो ना करिएगा, फाल्स कर दीजिएगा। अगर यहीं हो कहीं क्वेश्चन होता, हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाने के लिए डॉक्स में एफ डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिंग में एफ हो जाता तो आप इसे राइट कर सकते थे, लेकिन एफ नहीं है तो इसलिए फाल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड ही करते रहता हूँ, आप डेली हमसे ज्वाइन हो जाइए, मैं आप लोगों को डेली क्लास प्रोवाइड करता हूँ। और पिछले बैच के जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला था मेरे चैनल से, तो अच्छे ग्रेड से पास भी हो गए और बोल भी रहे थे, तो आई होप आप भी जुड़े रहेंगे, तो आई होप आपको भी हेल्प पूरी तरह से मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।